अस्सलाम वालेकुम जी, सी जी के इंशा में इस वेबसाइट पे हूँ तो मैं स्टार्ट करने लगूँ, आप देख लें। सबसे पहले मैंने अपने थीम को उसको रीसेट कर दिया है, इसको जो मेरी सब डोमेन थी वहाँ पे सब कुछ रीसेट कर दिया। मैं ऐड करने लगा हूँ एलिमेंटोर प्लगइन, एलिमेंटोर। और उससे पहले आपको क्या करना है, आपको ना इसके लिए अगर सेम बनानी है, इसके लिए सबसे पहले आपको राइट क्लिक करके ये इमेजेस सेव करनी पड़ेगी। ये वाली इमेज है यहाँ पे यूज़ हुई है, ठीक है जी, ये वाली इमेज यूज़ हुई है, ठीक है जी। उसके बाद आपको ये वाली इमेज यूज़ हुई है, ये वाली इमेज यूज़ हुई है, ठीक है, ये डाउनलोड करनी पड़ेगी। ये यहाँ पे आपको ये इसका बैकग्राउंड इमेज है, ठीक है जी, बैकग्राउंड इमेज आपने इसको यहाँ से कहीं से भी डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है जी। और ये भी इमेज है, ये वाली इमेज, ठीक है, यहाँ से, और ये वाली इमेज आपने डाउनलोड करनी है, ये टेस्टिमोनियल वाली, ठीक है जी। उसके लिए उसके बाद एक और इमेज है, ये वाली, ठीक है जी, ये आपने यहाँ से करनी है, जो कि डिवाइडर है। उससे पहले आप इसको हम करेंगे, सबसे पहले तो एलिमेंटर प्लग इन कर लेते हैं, एलिमेंटोर, ठीक है जी। उसके बाद हम थीम में चले जाते हैं, ठीक है जी, और ऐड न्यू थीम। उसके बाद हम यहाँ पे एलिमेंटर को इंस्टॉल कर लेते हैं, और इधर से आगे ना थीम में हम एक्स्ट्रा थीम अगर है तो ठीक है, एक्स्ट्रा थीम को हम इजीली कर लेंगे, तो मसला नहीं है। हम यहाँ से एक्स्ट्रा थीम इंस्टॉल हो गया, इसको एक्टिवेट भी कर देना है, और हमने यहाँ से एक्स्ट्रा थीम को एक्टिवेट करना है, ठीक है जी। यहाँ से हो गया, अब हमने क्या करना है, हमने दोबारा से जाके प्लगइन्स को ऐड करना है, ठीक है जी, और अपलोड प्लगइन पे क्लिक करना है। और मेरे पास एक प्लगइन पड़ा हुआ है एलिमेंटोर का, एलिमेंटोर इधर है, ठीक है जी, यहाँ से पड़ा हुआ है मेरे पास डाउनलोड में अंदर एलिमेंटोर, यहाँ से राइट लिखा के सॉर्ट बाय डेट करते हैं, तो यहाँ से फ्री, ठीक है जी, प्रो पैकेज, यहाँ से ये फ्री वाला, ये तो वाला है, हमने यहाँ से इसको प्रो वाला 3.3 वर्जन यहाँ से इसको ड्रैग कर दिए, यहाँ से पता नहीं सिलेक्ट हुआ है या नहीं, दोबारा कर लेते हैं, यहाँ से सिलेक्ट करके इंस्टॉल कर लिया है, यहाँ से इंस्टॉल करने के बाद हम इसको एक्टिवेट करेंगे। और उससे पहले इंस्टॉल हो चुका है, एक्टिवेट कर देना है, ठीक है जी। अब यहाँ से हो गया, ओके हो गया, हम अब मैं आपको सरसरी सी सेटिंग बताऊंगा। यहाँ से अब हमने करना यह है कि एलिमेंटर यहाँ से लाइसेंस ऐड हुआ है, ठीक है जी। यहाँ से अगर हम लाइसेंस पे क्लिक करें तो ये जो एलिमेंटर मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, इसका लाइसेंस पहले से लगा हुआ है, ठीक है जी, GWP GPL लाइसेंस पहले से ऐड है, ठीक है, अब आपको ज़रूरत नहीं है ऐड करने की। अब यहाँ पे आपने करना क्या है कि हमने इसके फ्रंट एंड पे चले जाना है, फ्रंट एंड पे जाके पहले तो इसका साइट की सेटिंग देखनी है कि क्या क्या है। यहाँ पे इसका लोगो है, तो हमने सेम लोगो जो है सेव इमेज करके इसका लोगो लगा देना है, ठीक है जी, यहाँ पे हमने लोगो लगा दिया, ठीक हो गया जी। उसके बाद लोगो डाउनलोड कर लिया है। अब हमने क्या करना है कि हमने इसके अंदर जो हमारी इस वाली सेटिंग है वो हमने करनी है, तो इसके लिए हमें कस्टम हेडर अप्लाई करना पड़ेगा। हमने कस्टम हेडर कैसे ऐड करना है, हमने यहाँ से न्यू प्लगइन में जाना है,
न्यू प्लगइन ऐड करना करना है, और एलिमेंटर जो फुटर एंड हेडर बिल्डर यहाँ से प्लगइन आएगा, वहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से मैं एक और चीज कंफर्म कर लेता हूँ, यहाँ से प्लगइन यहाँ से हमने एक चीज़ देखनी है, अपीयरेंस में जाके हेडर फुटर एंड ब्लॉक, ठीक है, हमने ये वाला प्लगइन हमने ऐड कर देना है, हेडर फुटर एंड ब्लॉक। ये हमारे पास आ चुका है एलिमेंटर हेडर फुटर एंड ब्लॉक टेम्पलेट, यहाँ से हम इसको एक्टिवेट करेंगे स्टार्ट करके, और इसको हमने अभी कैंसिल कर देना है, ठीक है। हमने सेम इसी तरह का लेआउट बनाना है, उस लेआउट को बनाने के लिए हमने क्या करना है, हमने कुछ चीज़ों को यहाँ से चेंज करना है और सेटअप करना है। इसके लिए हम अपीयरेंस में आ गए, हेडर फुटर एंड डॉक। सबसे पहले हमने मेन्यू क्रिएट करनी है, ठीक है जी, ये वाली जो मेन्यू है ये क्रिएट करनी है, ये पूरी ये ईजी है, मैं आपको दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद कर लेना। ठीक है जी, यहाँ से न्यू मेन्यू है, ठीक है जी, इसका हम नेम देते हैं मेन मेन्यू, ठीक है जी। उसके बाद हम यहाँ से इसको हेडर पे सिलेक्ट करते हैं कि हेडर में डिस्प्ले हो, यहाँ से हम इंटायर वेबसाइट पे सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ से रोज में जाके आल यूज़र पे क्लिक करके इसको पब्लिश कर देते हैं, और यहाँ से हमने जाना है मेन्यूज़ के अंदर, यहाँ से हम कुछ चार पांच मेन्यूज़ ऐड करेंगे, जो इसकी होम अबाउट अस एक्टिविटीज गैलरीज एंड कॉन्टैक्ट, यहाँ से हमने इसको पब्लिश कर दिया। अब इसको हम करेंगे एडिट विद एलिमेंटर, एडिट विद एलिमेंटर करने के बाद यहाँ से मेन्यूज़ में जाएंगे, मेन्यूज़ में जाने के बाद हम न्यू मेन्यू ऐड करेंगे, यहाँ से मेन मेन्यू, यहाँ से न्यू ऐड करेंगे, यहाँ से और मेन मेन्यू, यहाँ से प्राइमरी मेन्यू यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, प्राइमरी मेन्यू या ना भी करें कोई मसला नहीं है, यहाँ से अगर प्राइमरी भी कर दें तो कोई मसला नहीं है, डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगी। हम यहाँ से कुछ भी नहीं सिलेक्ट करते और क्रिएट मेन्यू पर क्लिक करते हैं, ठीक है जी, यहाँ से क्रिएट मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो न्यू मेन्यू क्रिएट हो जाएगी, ठीक है जी। उसमें हमने क्या करना है, हमने कस्टम लिंक ऐड करने हैं, कस्टम लिंक कौन से ऐड करने हैं, हमने यहाँ पे हैश डालना है, और लिंक टेक्स्ट क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल होम होगा, ठीक है जी, होम होगा, नेक्स्ट क्या होगा जी हमारे पास, नेक्स्ट होगा अबाउट अस, नेक्स्ट होगा कॉन्टैक्ट अस, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ से हम देख लेते हैं कि क्या क्या है, एक्टिविटी गैलरी, यहाँ से हमने देखना है कि ये एक्टिविटीज़ गैलरी एक और दो और हैं, हम ये भी कर लेते हैं, यहाँ से हम हैशटैग टैब गैलरी, ठीक है जी, ये कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम गैलरीज को यहाँ ऊपर ले आते हैं, और ये हमारी मेन्यू तैयार हो गया है, ठीक है जी, हमने इसको सेव मेन्यू पर क्लिक कर देना है, ठीक है जी। उसके बाद हमने एक काम ये करना है कि हमने मेन्यू अब इसको लेआउट को यहाँ से अपडेट करने के लिए हमने इसको रिफ्रेश करना है, ताकि ये लेयर अपडेट हो जाए, ठीक है जी। तो इसको जैसे ही अपडेट होता है हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं,
यहाँ से हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने सबसे पहले एक पूरा लेआउट ऐड करना है, ठीक है जी। लेआउट किस तरह का चाहिए हमें इसको देखेंगे। उन्होंने चार आइकन्स यहाँ पे दिए हुए हैं, तो हमने भी चार सेलेक्ट करने हैं। यहाँ से हमने यहाँ पे जाना है और चार हैं या तीन हैं, यहाँ से हम तीन सेलेक्ट कर लेते हैं। तीन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमने इसको सबसे पहले एक लोगो को ऐड करना है। इसको यहाँ पे हमने लोगो इमेज ऐड करनी है, यहाँ पे रख ले और यहाँ से आके हम इसको ये वाली इमेज ऐड कर, ठीक है जी। ये ऐड होगी, उसके बाद हमने इसको यहाँ से अपलोड कर देना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम करने वाले हैं, हमने नेक्स्ट करना है और इसमें के अंदर हमने एक मेन्यू ऐड करनी है। यहाँ से हम ऊपर सर्च करेंगे मेन्यू, नेविगेशन मेन्यू, ठीक है जी। यहाँ से नेविगेशन मेन्यू यहाँ पे इसको यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है जी। मेन मेन्यू ही है, इसको हम यहाँ से ड्रैग करके इधर लेके आते हैं और इसकी जो लेआउट है उसको लेआउट को यहाँ पे डाल देते हैं इसके साथ, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे हम एक बटन ऐड करेंगे। बटन किस तरह का होगा, बटन होगा जी LMS। कॉपी करना है और यहाँ पे आके एलिमेंटर में इसका बटन के साथ आके जो बैकग्राउंड कलर है उसमें हमने यहाँ से कॉपी कर देना है। आपके सामने ये हो गया है। उसके बाद हमने क्या करना है कि बॉर्डर रेडियस को करना है ज़्यादा, और बॉर्डर तो सॉलिड रखना है, नन भी कर सकते हैं। उसके रेडियस को और ज़्यादा करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जितना उन्होंने किया आप उतना ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। मुश्किलें भी आती हैं और आपको ये नहीं करना है, ठीक है जी। उसके बाद हमने यहाँ से बाय नाउ का ऐड कर देना है, बाय नाउ, ठीक है जी। यहाँ से हमने लिखना है कि यहाँ पे बाय नाउ लिख लेना है। उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ ऐड करनी है जो कि होता है आइकॉन, ठीक है जी। यहाँ पे हम इसके स्टाइलिंग में आके एक छोटा सा आइकॉन भी होता है, वो भी हम ऐड कर सकते हैं यहाँ से, अगर ऐड करना चाहें तो। यहाँ पर मुख्तलिफ सेटिंग्स को देख सकते हैं, इसका आइकन यहाँ से अगर आप सेलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ से हम इसका जो है एरो सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से हम इसका एरो जो है ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, या ये वाला सही रहेगा क्योंकि उन्होंने ये वाला यूज़ किया है, तो हम यही
वाला यूज़ कर लेते हैं। इसके अलाइनमेंट है आप तक करनी है हमने, ठीक है जी। यहाँ पे आप अगर आप देखें तो ये ही हो चुका है। आज सेम नहीं है लेकिन आप सेम भी कर सकते हैं, ठीक है जी। इसका जो स्टाइलिंग है वो आप हम देख लेते हैं यहाँ पे आके। यहाँ पे टाइपोग्राफी पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे साइज़ पे आपने यहाँ पे साइज़ इतना ज़्यादा नहीं रखना, ठीक है जी। यहाँ से हमने इसकी 300 कर देनी है या 400 नॉर्मल होता है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ से हमने उसका सेटिंग कर देनी है। तो आइकन कौन सा रखना है हमने एक्स्ट्रा स्मॉल कर देते हैं, ठीक है जी। अलाइनमेंट स्मॉल और आइकन जो है आइकन की स्पेसिंग आप यहाँ इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप इसकी स्पेसिंग सेट कर सकते हैं और इसी चीज़ को। उसके बाद हम यहाँ से गैलरी मेन्यूज़ में आते हैं। मेन्यूज़ में सेटिंग करने के लिए हमने क्या करना है, हमने इसके जो है वो टाइपोग्राफी में जाना है, ठीक है जी। टाइपोग्राफी में जाके इसका जो फॉन्ट है, फॉन्ट कौन सा है, फॉन्ट हमने चेक करना है। यहाँ से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर रहे हैं तो इसका फॉन्ट हमें पता चल जाएगा, और हमने सेम टू सेम इसका फॉन्ट रखना है। तो हमने इसका पहले हम फॉन्ट चेक कर लेते हैं। हॉलीडे काउंटडाउन, ठीक है जी। यहाँ से हमने इसका फॉन्ट फैमिली जो है ये है जी फ्रेडो का वन हमने इसको पूरी वेबसाइट पे अप्लाई कर देना है, तो पूरे पेज पे भी और वेबसाइट पे, ठीक है जी। यहाँ से हमने इसको सर्च करना है फ्रेडो का वन। यहाँ से ये हो गया, हमने इसकी जो स्पेसिंग है वो कम कर देनी है और कम करनी है। अभी भी कम नहीं हुई तो हमने इसकी 200 और 100 और भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से फोटो मोनो कर देता हूँ, नहीं यहाँ से ये गलत हो जाएगा। यहाँ से मेरा फोटो पे क्लिक करता हूँ, ये भी मैं यहाँ से सिंपली जस्ट रैंडमली सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप यहाँ से आके ना इसके ऊपर जब आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से नज़र आ जाएगा। यहाँ से अगर हम मेन्यूज़ पे जाएं, मेन्यूज़ में तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ से हमें उसका फॉन्ट नेम भी बता देगा। तो यहाँ से हमने चेक कर लेना है बॉर्डर कलर क्या है। यार आप इसका कुछ भी रख सकते हो, इसका कोई मसला नहीं है। इसका यहाँ से आप कुछ भी रख सकते हो। मैं यहाँ पे आई थिंक यही सही रहेगा, हमने यहाँ से इसी को रख के डन करना है, सही हो गया जी। हमने इसका क्या करना है, इसका जो है वो हावर इफेक्ट पे क्या करना है, हावर इफेक्ट पे टेक्स्ट कलर वही रखना है। यहाँ से हम देखते हैं वही है, ठीक है जी। उसके बाद हावर पे हमने जो है अंडरलाइन, यहाँ से देखें ये अंडरलाइन होगा, अंडरलाइन का जो
जो कलर होगा ग्रीन हावर इफेक्ट कलर, ये हमने क्या करना है, हमने इसको ये वाला दे देना है, हाँ ये वाला दे देना है। यहाँ से हम चेंज कर देते हैं, यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ से यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे देखें ये हुआ हुआ है, आप इसका कलर जो है वो अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से ये देख लें आप, ठीक है जी। अब ये हमारा मेन्यू एक किस्म का रेडी हो चुका है, मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख लें इसमें फ़र्क क्या है, हम अब फर्क को भी देख लेते हैं। ये जो है ना आपका, यहाँ से आपने क्लिक करके इसको बॉक्स है तो फुल विड्थ पे क्लिक करना है, और इसको जो लोगो है इसको आपने लेफ्ट अलाइन कर देना है। लेफ्ट लाइन का मतलब ये है कि इस साइड पे हो जाएगा। यहाँ से आप दोबारा चेक करते हैं, इसमें स्पेसिंग है, इसमें स्पेसिंग नहीं है, यहाँ पे देखें। तो हमने क्या करना है, हमने इसका थोड़ी सी और स्पेसिंग ऐड करनी है, और इसका हम यहाँ से पैडिंग ऐड कर देते हैं लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड की पैडिंग हमने ऐड करनी है थोड़ी सी ज़्यादा करके यहाँ से, सही है जी। और इसका जो है पूरे मेन्यू में आके तो हमारी यहाँ से सारे की पैडिंग यहाँ से आ जाएगी। यहाँ से देखें बहुत अच्छा लग रहा है, और ये हमारी आ चुका है। यहाँ से देखें मेन्यू, और ये आपके सामने है, ये आपके सामने जी हावर पे इफेक्ट लगा दिया मैंने, और यहाँ से अगर आप क्लिक करके चेक करें तो उसी तरह से हो गया है। थोड़ा सा कम है लेकिन इतना भी ठीक है, और ज़्यादा पैडिंग ऐड करेंगे तो डर जाएगा काम, ठीक है जी। अब हमने इसका शेडो ऐड करना है, शेडो ऐड करने के लिए यहाँ से हमने बॉर्डर पे जाना है, और बॉर्डर बॉक्स शेडो पे क्लिक करना है। बॉक्स शेडो पे क्लिक करके जो इसका स्प्रेड है उसको कम कर देना है, ठीक है जी। हल्का सा यहाँ पे रखना है, और ब्लर यहाँ से कम कर देना है, और इसका हम जो है यहाँ पे, ठीक है जी। हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये सेम आप देखें इसके नीचे भी यही है, और इसके नीचे भी थोड़ा सा हल्का है, आप इसका कम भी कर सकते हैं, आपने तफसीला जा के काम कर लेना है, ठीक है जी। तो हमारा ये मेन्यू रेडी हो चुका है, उसको हम कर देते हैं जी अपडेट, और हम दोबारा जैसे अपनी वेबसाइट में जा कर चेक करते हैं कि हम वाकई हमारा मेन्यू लगा भी है या नहीं, या ऐसे हम करते हैं हमारा मेन्यू अपडेट हो चुका है। यहाँ से आप इसका बटन के ऊपर हावर इफेक्ट लगा सकते हैं, यहाँ से जाके ये देखें हावर इफेक्ट लगा हुआ है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें यहाँ पे वापस आना है, बटन पे क्लिक करना है, और बटन पे क्लिक करके यहाँ से पूरे बटन पे क्लिक करके यहाँ से स्टाइल में आके यहाँ से हमें यहाँ पर हावर पे क्लिक करना है, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है यहाँ से हमने इसका चेंज कर देना है। इसका चेंज करना है कि हम वर्ज करें ये रखना चाहते हैं, ये देखें हम हावर इफेक्ट पे ये वर्ज करें, हम ब्लैक देना चाहते हैं, ये ब्लैक आ गया, चेक करें यहाँ से प्यारा सा हो गया। यहाँ से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी करना चाहें, सही है। यहाँ पे आप देखें बहुत प्यारा सा इफेक्ट है, यहाँ पे आप चेक कर लें, ये हमारा मेन्यू है। यहाँ से अब एक कुछ एक और चीज़ देखें, यहाँ पर क्लिक करें तो ये इसका लिंक पर रीडायरेक्ट कर रहा है, क्योंकि लोगों का होम पेज पे, ठीक है जी। हमारा होम पेज पे यहाँ से क्यों नहीं लिख रीडायरेक्ट करा, अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो कुछ भी नहीं होता। तो इसका मसला ये है कि हमने यहाँ पे एडिट करके इसके ऊपर क्लिक करना है, और इसके ऊपर यहाँ से लिंक ऐड करना है, कस्टम लिंक। कस्टम लिंक क्या है, हमने ऊपर से अपनी वेबसाइट की URL कॉपी करनी है, URL कॉपी करके यहाँ से इसको सेटिंग कर देना, ठीक है जी। उसको अपडेट कर देना, और एक जैसे अपडेट होता है हम दोबारा जाके अपनी वेबसाइट को यहाँ से हम देखते हैं कि अगर हम दोबारा क्लिक करें इसके ऊपर तो हमारे रीडायरेक्ट होके अब हमें
उसी तरह का सेम का मिल रहा है। अब यहाँ पे देखें कि हमारी मेन्यू का कलर और बैकग्राउंड कलर हो रहा है, यहाँ पे जो है सारा कुछ वाइट है। तो हमने क्या करना है, तो हमने करना ये है कि यहाँ पे एलिमेंटर में आके इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे जो है तन्ने सेंटर वाले आइकन छः आइकन छः डॉट बने हुए हैं, इस पर क्लिक करके हमने बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। बैकग्राउंड कलर पे जाके यहाँ से कलर सेलेक्ट करना है वाइट, ठीक है जी। वाइट सेलेक्ट करके हमने इसको अपडेट कर देना है और दोबारा जाके हमने चेक करना है, ठीक है जी। अपडेट करना है और दोबारा हमने इसको रीलोड करना है और देखें हमारा वाइट मेन्यू हो जाएगा। ये देखें हमारी मेन्यू कम्प्लीटली वाइट हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है, इजी है, इजी स्किल है, आप वर्डप्रेस सीख के भी अच्छे कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ से अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है जी ये वाला सेक्शन ऐड करना है। यहाँ पे आपको इसके लिए पता होना चाहिए कि फॉन्ट क्या है। फॉन्ट यहाँ से राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे और फॉन्ट हम ले लेंगे यहाँ से, और इसके बाद हम यहाँ पे मेन्यू को हटा के यहाँ से न्यू पेज ओपन कर लेते हैं, न्यू पेज क्रिएट कर लेते हैं और उसका पेज का नाम होगा होम पेज। सही हो गया जी, हमने इसका यहाँ से फॉन्ट फैमिली यहाँ से सेलेक्ट करनी है, ये वाली फॉन्ट फैमिली है मोबाइल स्टोरी। मेरा थोड़ा सा माउस का प्रॉब्लम है तो ये सही से कनेक्ट नहीं हो रहा। एड न्यू पेज, यहाँ से हम होम पेज होम यहाँ से ले लेते हैं और जो साइड बार है नो साइड बार कंटेंट फुल विड्थ स्ट्रेच कर देना है, डिसेबल टाइटल, डिसेबल ब्रेड क्रम्स, फीचर्ड इमेज हमें नहीं चाहिए, फुटर हमें अगर चाहिए हो तो कर लें, नहीं तो नहीं नो कर लें, ठीक है जी। यहाँ से हमने इसको डिफॉल्ट टेम्पलेट ही रहने देना है, यहाँ से इसको पब्लिश कर देना है। पब्लिश यहाँ पे देखें हमारा एक न्यू पेज बन के आ चुका है। यहाँ से हम इसको एडिट विद एलिमेंटर करते हैं और यहाँ से इसको डायरेक्टली एडिट विद एलिमेंटर कर देते हैं। और यहाँ से हम इतने जल्दी जल्दी इसका वेबसाइट को बनाना है तो हमारे पास ये वाला फॉन्ट है, हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ से ये वाला सेक्शन हम ऐड कर लेते हैं। मैं इसको नोट पैड पे ये वाला फॉन्ट कॉपी करके रख लेता हूँ, जब भी जरूरत होगी मैं इसकी जो है तो इसको यहाँ से पेस्ट कर देते हैं, ठीक है जी। यहाँ से हम इसको साथ जोड़ लेते हैं होम पेज, सॉरी यहाँ से होम पेज ये वाला, यहाँ से हमने ये वाला ले लिया। यहाँ से क्या करना है कि हमने दो सेक्शन ऐड करने हैं। दो सेक्शन कैसे ऐड करने हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से हमने एक में हेडिंग डाली है, दूसरे में ये वाली पिक्चर डाली है हमने, इसका नाम देख लेते हैं, इसका नाम है जी ये वाली हमने पहले से ही की हुई है डाउनलोड। तो यहाँ पे हमने करना ये है कि एक डबल का सेक्शन बनाना है और सेक्शन के अंदर फर्स्ट में हमने डाली है हेडिंग, यहाँ से डायरेक्टली हेडिंग इंपोर्ट कर देनी है और दूसरे में हमने क्या करना है, हमने डायरेक्टली इमेज इंपोर्ट कर देनी है, ठीक है जी। इमेज में हम यहाँ से जाके ये वाली इमेज यहाँ से और ये वाली और ये तीनों अपलोड करनी जो अभी हम उससे मैच करेगी हम उसी को ले लेंगे। ये वाली में आई थिंक इमेज नहीं है तो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं पहले, यहाँ से हमने डाउनलोड कर लिया इसको और यहाँ से आके हम इसको अपलोड कर लें, अपलोड कर दिया हमने। तो यहाँ पे हमने इसको सर्च मीडिया पे क्लिक करना है, तो ये देखें हमारे पास इसी तरह से आ चुका है। तो इसका काम क्या है, यहाँ से हमने इसका इसके अंदर से इसका
जो टेक्स्ट है वो हमने ऐड करना है। जो टेक्स्ट कौन सा है यहाँ से हमने तो अबाउट आवर किंडरगार्टन जो है जो भी जैसे जो फोन नाउंस होता है हम उसको यहाँ से सेम एज रिप्लेस करना है। तो यहाँ से उसका फोन कॉपी करना है, यहाँ से स्टाइलिंग में आके यहाँ से इसका जो कलर है वो हमने रखना है ये वाला, ठीक है जी। यहाँ से हमने इसका फोन चेंज करना है ये वाला शैडो। यहाँ से हमने इसका साइज बड़ा करना है, यहाँ से देख रहे हैं आप ये सेम तकरीबन है। और इसका जो साइज़ है वो आप कम कर सकते हैं। और यहाँ से हमने इसको सेंटर कर दें, यहाँ से हमने कंटेंट यहाँ पे आना है, यहाँ पे आके वर्टिकल अलाइन जो के वो है मिडल में कर देना है। यहाँ से मिडल हो गया, यहाँ पे देखें हमारा मुकम्मल तौर पे हमारे पास मिल चुका है। तो इसको अगर हम सेंटर अलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ राइट अलाइन इसके साथ और यहाँ पे सेंटर, ठीक है जी। ये वाला तो हॉरिजॉन्टल हमने इसको यहाँ से कर दे, यहाँ के अगर हम यहाँ से इसको कट करके देखें तो हमारे पास ये सेम जो कि यहाँ पे बना हुआ है सेम हमारे पास आ गया है। यहाँ पे फर्क क्या है, यहाँ से नीचे डिवाइडर आ रहा है। तो डिवाइडर कैसे ऐड करेंगे हम, मैं आपको दिखाता हूँ कि डिवाइडर हमने कैसे ऐड करना है। यहाँ पे हमने इसके सेक्शन के ऊपर आना है, 6 डॉट पे क्लिक करना है और स्टाइलिंग में आके यहाँ पे शेप डिवाइडर लिखा हुआ है, शेप डिवाइडर में आके हमने यहाँ से क्या ऐड करना है, माउंटेन वाला स्लाइडर डिवाइडर हमने डाल देना है इसके ऊपर। कलर हमारे पास कौन सा होगा, ये वाला कलर होगा, ये हमने टॉप पे लगा दिया, हमें टॉप पे नहीं चाहिए, हमने बॉटम पे लगाना है। सॉरी, यहाँ से आपने बॉटम पे क्लिक करना है और जो है हमने क्लाउड यहाँ पे देखें क्लाउड और यहाँ से डिफरेंट हमने माउंटेन, ये देखें हमारे पास ये वाला स्लाइडर है डिवाइडर है सॉरी। यहाँ से हमने थोड़ा चेंज करना है, देखना है कि कौन सा है। यहाँ से वेव्स आई थिंक ये चल जाएगा, ये देखें वेव्स हमारे पास ये चल गया है। और वेव्स जो विड्थ है यहाँ से हमने इसको जो हाइट यहाँ से क्लिक कर देते हैं और देखते हैं इनवर्ट, ठीक है जी। और इसको वेव ब्रश क्लिक करते हैं, ये वाला हो गया। यहाँ से ब्रिंग टू फ्रंट, यहाँ से इसके बैक में ही रखना है इसको। और यहाँ से वेव पैटर्न, और यहाँ से हमने मुख्तलिफ डिफरेंट वेव्स की शेप कर यहाँ पे एसिमेट्रिक, यहाँ से आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से मैं आपको वेव्स करके सिंपली दिखा देता हूँ, यहाँ पे जैसे आप देखें यहाँ पे सिंपली वेव है। और यहाँ से हम इसको यहाँ वेव को सिलेक्ट करके इसकी विड्थ को ये बढ़ा देते हैं और यहाँ पे इसको क्लिप कर देते हैं। यहाँ पे देखें हम इस विड्थ को कम करना है, टाइपोग्राफी इसमें हमने क्या करना है, स्लाइडर को हमने अपने हिसाब से सेट कर देना है। मैंने यहाँ से सेट कर दिया है, आपको भी यहाँ से सेलेक्ट कर देना है, ठीक है जी। यहाँ से हमने इसका कलर थोड़ा सा शेप डिवाइडर का हमने यहाँ से बॉटम वाले का यहाँ से थोड़ा सा और हल्का कर देना, ये
यहाँ से आप देखें यहाँ से हल्का हो चुका है और हम यहाँ से इसको थोड़ा स्कैन भी कर लेते हैं। ये देखें बहुत ही प्यारा हो चुका है हमारे पास। अब हम यहाँ पे देखें तो हमारा यहाँ से बिल्कुल मैच होता होता नज़र आ रहा है। सही है जी, ये देखें यहाँ से आ रहा है तो ये बहुत प्यारा हो चुका है। और नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमें हमारे पास ये वाली इमेज यहाँ से हम इसको सेव कर लेते हैं और ये वाला पैराग्राफ हमने सिंपली इसको ऐड कर देना है। सही है जी, यहाँ से हमने इसको सेव करना है और ऐसे ही सेम तरह के हमें सेक्शन और चाहिए। सेम तरह के हमने दो सेक्शन लेने, दो सेक्शन लेके हमने एक में डालनी है इमेज। इमेज कौन सी डालनी है, इमेज वो डालनी है जो हमने अभी डाउनलोड की, डाउनलोड ये वाली की है। यहाँ से इंसर्ट मीडिया, याद रखें अपलोड करने के बाद ही इंसर्ट करनी है आपने। यहाँ से हमने इसको क्लास कर देना है और टेक्स्ट एडिटर ऐड करना है और यहाँ से हमने ये वाला टेक्स्ट इसको कॉपी कर देना है और यहाँ से इसको ये वाले टेक्स्ट को पेस्ट कर देना है। ठीक है जी, यहाँ पे क्या हुआ हुआ है, यहाँ पे बेसिकली ना यहाँ से आके इसकी जो पैडिंग ऐड की हुई है, पैडिंग ऐड करने के लिए हम यहाँ से ऐसे करना है। यहाँ पे आप देख लें इतनी ज़्यादा भी नहीं करनी, यहाँ से हमने राइट साइड से इसकी पैडिंग बढ़ा दी। आप देख लें जितनी आपको चाहिए, यहाँ से आप देखें थोड़ी सी है तो हम ज़्यादा करेंगे तो इसको कम होती जाएगी। हम इसको 150 कर देते हैं और अगर नहीं हो सकता तो 250 कर लें, ये ज़्यादा हो जाएगा। 200 ये भी ज़्यादा हो जाएगा और अगर 180 कर लेते हैं तो ये अच्छा हो जाएगा। यहाँ से हम इसकी जो कंटेंट है वो हमने इसको स्टाइलिंग में जाके इसके कंटेंट को हमने ऐसे कर दिया। ये देखें बहुत ही प्यारा सा हो गया है। हम इसके जो है वो भी करना चेंज कर सकते हैं, इसके चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हमने एक और काम करना है, यहाँ से हमने 6 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ से शेप डिवाइडर पे जाना है और इसका जो बॉटम वाले का कलर है ना, यहाँ से हमने इसके कोड को कॉपी करना है और कोड को कॉपी करने के लिए यहाँ से जो बैकग्राउंड है उसके बैकग्राउंड का यहाँ पे बैकग्राउंड का कोड है, यहाँ से हमने यहाँ पे इसको पेस्ट करना है। ठीक है, ये देखें हमारे पास सेम बैकग्राउंड आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी सेम है, यहाँ तक नीचे भी डिवाइडर है, सेम डिवाइडर हमने लगाना है। यहाँ से हमने इसको कॉपी करना है और यहाँ से आके हमने इसको पेस्ट टाइप कर देना है और यहाँ से नीचे इसका डिवाइडर आ चुका है। ठीक है जी, इसके डिवाइडर का क्या करना है, इसके डिवाइडर का हमने यहाँ से जो बॉटम वाला डिवाइडर है, सॉरी यहाँ से बॉटम वाला डिवाइडर, बॉटम वाले डिवाइडर पे यहाँ से इसको इन्वर्ट कर देना है। यहाँ से देखें ये इन्होंने यहाँ पे इमेज ऐड की है क्योंकि ये यहाँ पे डिवाइडर इस सेक्शन के साथ ऐड होगा, इसलिए इन्होंने यहाँ पे इमेज दे दी है। तो हम भी यहाँ पे इमेज ही लगा देते हैं, हमें क्या पड़ी है। तो हमने सबसे पहले इसका बैकग्राउंड ऐड करना है, बैकग्राउंड इसका शेप जो है वो रहने देते हैं, नन कर देते हैं। ठीक है जी, जो बैकग्राउंड है यहाँ से हम इसको एक बैकग्राउंड दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर हमारे पास है, यहाँ से हमें पेस्ट कर दिया है। यहाँ पे आप देख लें यहाँ पे शेप डिवाइडर जो है वो हमारे पास नन है, तो यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, यहाँ पे इसको नन करना है। ठीक है जी, नन करने के बाद यहाँ से इसका यहाँ से हमने एक फुल साइज लेना है
यहाँ से इसका जो बैकग्राउंड है, यहाँ से बैकग्राउंड इमेज ऐड करनी है इंसर्ट टू मीडिया, जैसे आप देख सकते हैं। यहाँ से साइज को कवर कर देना, ठीक है जी। कवर करने के बाद पे आ चुका है, और यहाँ से हमने क्या करना है, इसकी पोजीशन को सेंटर सेंटर में रखना है, बॉटम सेंटर, ठीक है जी। और इसको यहाँ से यहाँ पे आके इसको यहाँ से फुल विड्थ कर देना है, ठीक है जी। यहाँ से इसको अब हम देखेंगे, यहाँ पे देखें कि नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि हमने अभी ये जो नीचे वाला बैकग्राउंड है यहाँ पे अभी कुछ भी ऐड नहीं किया, तो हमने ऊपर यहाँ पे स्पेसर ऐड करना है हल्का सा, ताकि इसमें थोड़ी सी गैप आ जाए, चाहिए जी। यहाँ से आप देखें कि गैप इसलिए आ रहा है कि हमारा ये इमेज जो है इसका कलर हो रहा है, ये ऊपर वाले का कलर हो रहा है, तो हमने इसका मैच कर लेना है एग्जैक्टली कलर कोड के साथ, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे अवर टीचर्स का एलिमेंट है, यहाँ पे ये मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे करना है। यहाँ से आपने एलिमेंटर पे आके अपना यहाँ पे ये ऐड करना है, ये हम देख लेते हैं अवर टीचर। सबसे पहले हमने यहाँ पे न्यू पे प्लस पे क्लिक करना है, और यहाँ से आके हेडिंग पे क्लिक करना है। हेडिंग पे क्लिक करने के बाद आपने जाना है अवर टी लिखना है अवर टीचर, ठीक है जी। इसको हमने सेंटर अलाइन कर लेना है, और इसको जो स्टाइलिंग में आके जो कलर था हमारा फॉन्ट वो हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। फॉन्ट अप्लाई हो गया, यहाँ से हमने अब इसका कलर चेंज करना है। कलर कौन सा कहाँ से चेंज होगा, यहाँ से हम देख लेते हैं यहाँ का कलर कोड कौन सा है, ये भी हमने यहाँ से ही कप वाला कॉपी करके यहीं पे लगा दें, ठीक है जी। तो यहाँ से हम इसको यहाँ से करेंगे, और यहाँ पे ना एक नीचे कलर कोड भी कॉपी कर देते हैं, ठीक है जी। और यहाँ से कलर कोड है ये वाला हमने कॉपी कर लिया है, और इसकी जो टाइपोग्राफी मिला के ना इसकी साइज भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है जी। यहाँ से साइज नहीं, अब ये क्या है, यहाँ से बहुत ज़्यादा फासला है, ठीक है जी। अब फासले का क्या करना है, हमने यहाँ से जो स्पेसर है यहाँ से स्पेसर ऐड करना है ऊपर वाली साइड पे, तो थोड़ी सी इसकी साइजिंग जो बढ़ा देनी है, तो इसका यहाँ से आगे उसके नीचे क्या करना है, हमारे हमने इनर सेक्शन ऐड करना है, इनर सेक्शन नीचे ऐड करना है, जो कि होगा ऐड वन न्यू कॉलम होगा, तीन कॉलम है हमारे पास। यहाँ से हमने इसको इमेज इमेज बॉक्स हमने लगाना है, इमेज बॉक्स, ठीक है जी। हमने इसके इमेज बॉक्स लगाना है, इसके से पहले हमने क्या करना है, हमने यहाँ से इसको सेव कर लेना है, इमेज को सेव करना है, तीन इमेज को सेव करना है पहले, ये वाली इमेज आपके पास इमेजेस होनी चाहिए। ये देखिए पीएनजी बनाई हुई है, फोटोशॉप के अंदर आपने भी ऐसे ही करना है, फोटोशॉप के अंदर आपने लगानी है, डिज़ाइनिंग करनी है या करवानी है, अगर इस तरह की चाहिए तो आपको डिज़ाइनिंग करनी पड़ेगी, तभी ये मुमकिन हो पाएगा। यहाँ से आपने तीनों को सेव कर लेना है, और यहाँ से आपके हम यहाँ से इमेज यहाँ से फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को अपलोड कर देते हैं, इसमें हमने फर्स्ट को लगाना है, सही हो गया जी। और उसके बाद हेडिंग क्या है, हेडिंग है जी करेंट डोनट, यहाँ पे हमने हेडिंग लगा देनी है। उसके बाद हमारे पास जो है जो इसकी डिटेल है वो क्या है, लेसिनिया में यहाँ से हमने इसको लगा देना है, ठीक हो गया जी। यहाँ से हमने स्टाइल पे जाना है,
स्टाइल पे जाके कंटेंट कंटेंट में जाके यहाँ पे इसका कलर कोड जो है वो हमने देखना है यहाँ से। यहाँ से हमने क्या करना है, यहाँ से कलर कोड यहाँ पे आके स्टाइल कंटेंट कलर कलर कोड यहाँ से हमने इसको थोड़ा सा हैवी कर देना है। यहाँ पे आप देखें सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ से ये वाला अप्लाई करना था, यहाँ से अप्लाई हो गया और इसमें जो था ना वो कलर कोड ऐड करके लगाना है। यहाँ पे आपने हेडिंग लगानी है, ठीक है जी। हेडिंग लगा के यहाँ से आपने इमेज डालनी है और यहाँ पे रीड मोर का बटन क्लिक करना है।
यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, आपने यहाँ से नीचे आके यहाँ से एज ग्रुप्स, यहाँ से कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, और हमारे पास यहाँ से एज ग्रुप्स आ चुका है यहाँ से। और हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से पैराग्राफ यहाँ पे ऐड करना है, और तो यहाँ से हमने देखना है कि पैराग्राफ है, कॉपी यहाँ के ऊपर पेस्ट, और यहाँ से हमारा पैराग्राफ यहाँ से ये वाला होगा, हमने इसको कर देना है सेंटर, लाइन हमने इसको सेंटर कर दिया है, ठीक है जी। लेकिन यहाँ से जो पैराग्राफ है देखें, हमारे पास यहाँ पे स्टाइल आ चुका है सेम ही, और हमने इसका जो स्टाइल है टाइपोग्राफी जो हमने रखनी है हमने 200% रख देनी बिल्कुल इसी की तरह, ये जो वेबसाइट है ना उसी तरह, ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे 3 बॉक्स ऐड करने हैं, यहाँ से हमने इनर सेक्शन में जाना है, इनर सेक्शन में यहाँ पे हमने पेस्ट करना है यहाँ से, और इनर सेक्शन में यहाँ पे आगे ऐड वन न्यू कॉलम, ऐड न्यू कॉलम पे यहाँ पे हमने फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट कॉलम पे यहाँ से 2 हमें चाहिए हेडिंग, ठीक है जी, 2 हेडिंग हमारे पास चाहिए, और यहाँ से हमने इसको भी वाले का जो कलर कोड है वो हमने रखना है जी ये वाला, इसका हमने रखना है सिंपली ये वाला, यहाँ पे हो गया, यहाँ से उसकी टाइपोग्राफी
है जी, यहाँ पे हमने इसको सेव कर लिया है, यहाँ पे हमने आगे यहाँ पे क्लिक करना है और इमेज को यहाँ से सेलेक्ट करना है और यहाँ से हमने एक इमेज डाल देनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इमेज, सेकंड ऑफ ऑल ये इमेज एंड थर्ड एंड द मोस्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये वाली इमेज यहाँ से, उसके बाद नीचे लिखना है रीड मोड का बटन ऐड करना है। रीड मोड का बटन ऐड करने के लिए यहाँ से ऊपर क्लिक करना है 6 डॉट पे और यहाँ से बटन ऐड कर देना है, नीचे ड्रैग कर देना है सिंपली, उस पर अलाइनमेंट ये वाली कर देनी है और इसका जो बटन का जो कलर है ना वो ये वाला रखना है, ठीक है जी। जो हमने यहाँ पे वाला कॉपी किया था ये वाला बटन का कलर, यहाँ से कलर देखें, यहाँ से कलर चेंज हो गया, ठीक है जी। बॉर्डर रेडियस जो है हमें चेंज करना है, ठीक है जी। यहाँ से आप देख सकते हैं ये चेंज हो चुका है, यहाँ से आप साइज के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ से यहाँ पे लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल रीड मोर, ठीक है जी। यहाँ पे आपने स्टाइलिंग पे क्लिक करना है और इसका जो टेक्स्ट है टाइपोग्राफी में, तो इसके जो इसका जो कर देना है, ठीक है जी। सेम टू सेम होता है, अच्छी साइजिंग थोड़ी सी बड़ी कर देनी है, ठीक है जी। यहाँ पर ये हो गया, तो अब ये देखें बिल्कुल सेम हमारे पास आ चुका है, तो ये कमी है यहाँ पे इसका बॉर्डर है, तो हमारे पास बॉर्डर, ठीक है जी। हम इसका बॉर्डर ऐड करते हैं, बॉर्डर ऐड करने के लिए हमारे पास ये चीज़ होना लाजमी है, तो हमने यहाँ पे ऐड आ जाना है, एडवांस में आ जाना है और इसकी पैडिंग ऐड करनी है या मार्जिन ऐड करना है, ठीक है जी। इसका थोड़ा सा मार्जिन ऐड करना है, बल्कि मार्जिन हम रहने देते हैं, हम इसकी पैडिंग ऐड कर देते हैं, ठीक है जी। पैडिंग ऐड करने के बाद हमने इसका यहाँ से स्टाइलिंग में आके इसका बॉर्डर ऐड कर, बॉर्डर ऐड करना है। बॉर्डर जो हाँ होगा सॉलिड होगा, सॉलिड बॉर्डर होगा, उसका कलर क्या होगा, कलर कोड ये वाला होगा, ठीक है जी। कलर कोड ये वाला होगा और इसका जो विड्थ होगी बॉर्डर की, यहाँ पे अगर हम देखें इसका रेडियस भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है जी। यहाँ पे इसकी विड्थ होगी, तो यहाँ से हमें इसको एडवांस पे क्लिक करना है और इसकी जो इसको डीलिंग करना है यहाँ से, और यहाँ से जो राइट और लेफ्ट की पैडिंग है ना वो हमें ज़्यादा करना है, जब इसकी राइट और लेफ्ट राइट वाली पैडिंग, हमें इसको यहाँ पे ऐसे कर देना है, यहाँ से ऐसे कर देना, तो हम यहाँ से मार्जिन पे यहाँ से चेंज करते हैं। मार्जिन चेंज करने के लिए हमने यहाँ से इसको डीलिंग किया, यहाँ से इसको इसका मार्जिन यहाँ से राइट वाला थोड़ा ज़्यादा करना है 35 और लेफ्ट पे भी हमारे पास 35 होते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास आ चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और हमने इसको राइट क्लिक करके कॉपी करना है और यहाँ से राइट क्लिक करके पेस्ट डायल कर देना है यहाँ से, और यहाँ से हमने क्या करना है डायरेक्टली कॉपी पेस्ट, हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वाले में यहाँ से इसको डिलीट, यहाँ पे 3 आ चुके हैं, यहाँ पे आ गए इसको पेस्ट, ठीक है जी। ये जो एक्स्ट्रा है हमने इसको राइट क्लिक करके डिलीट कर देना है, तो हमारे पास 3 बच जाएंगे, ठीक है जी। हमारे पास 3 बच गए सिंपली, अब हमारे पास ये सेक्शन ऐड हो चुका है, आप देख सकते हैं। आपने जस्ट इमेजेस और टेक्स्ट चेंज करना है, हम कर सकते हैं यहाँ से, और नीचे
लेकिन फुटर है, फुटर आप इजीली को डिवाइडर नहीं है। हमारे पास ये परफेक्ट ऐड हो चुके हैं। हमारे पास आई थिंक इस डिवाइडर का मकसद नहीं है, फ़ायदा नहीं है, हम यहाँ से वो नहीं कर रहे। मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है जी। यहाँ से हम ये रखेंगे, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा तरीका है ये, लेकिन यहाँ से हमने अब वो सेव कर लेना है। ये सेव हो चुका है जी। अब हमने क्या करना है कि हमारा जो होम पेज है उसकी सेटिंग में जाके ना, यहाँ से मैंने थीम में आते हैं, यहाँ से सेटिंग में आके ना रीडिंग पे क्लिक करते हैं। और रीडिंग पे क्लिक करने के बाद हमने यहाँ से सेटिंग होम पेज सेलेक्ट करके होम पेज होम पे सेलेक्ट करके से चेंजेस कर दिए, ठीक है जी। यहाँ पे हमने सेव चेंजेस कर दिया और हम अभी जाके अपनी वेबसाइट को देखते हैं कैसे लग सकते हैं। बस ऑल आवर वेबसाइट, ठीक है जी। ये देखें बहुत ही प्यारी सी वेबसाइट हो चुकी है, यहाँ से आप देख सकते हैं सेम टू सेम हमने लेआउट बना दी है। यहाँ से इसका आप चेंज कर सकते हैं, ये देखें बहुत ही प्यारा लेआउट है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये वाली चीज़ जो हमने की, बेसिकली इसके जो बॉर्डर हैं वो ज़्यादा हो गए हैं, आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ से आप नीचे उसका बना सकते हैं, ठीक है जी। तो ये था हमारा पेज, अगर कोई मसला है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।